प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में क्लास 11th में वैलेंसी के बारे में बताया गया था, यानी संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया था आपको कि यदि किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और यदि उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है तो उसकी वैलेंसी होती है 0। 0 इसलिए होती है कि यदि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह अक्रिय हो जाता है, यानी कि सक्रिया नहीं करता है, उसका अष्टक जो है, जो ऑक्टेट है, उसका पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी के संबंध में हीलियम बताया गया था आपको, आप लोगों को, कि अक्रिय में हीलियम भी है। ठीक है, हीलियम में बताया गया था कि हीलियम का एक फर्स्ट कोष बनता है। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, और यदि पहला कोष अंतिम कोष है, यदि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, इसलिए जो हीलियम है वह भी अक्रिय है, यानी हीलियम को छोड़कर के और सभी अक्रिय गैसों में, गैसों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हीलियम में कितना होता है, 2 होता है। लेकिन वो लास्ट जो पहला कोष है उसका अंतिम कोष है, अंतिम कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो भी एक अस्थायी व्यवस्था होती है। तो इन सबका जो है संयोजकता जो 0 होती है, वैलेंसी 0 होती है। अब आपको बताया गया था कि जिनके बाह्य कोष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वे परमाणु कई प्रकार से अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अस्थाई गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों को बताया गया है कि परमाणु अपने वाह्य कोष से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और दूसरे से क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि परमाणु जो है वह अपने वाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो उस समय एक बंध बनता है और इस बंध को कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध। तो आज हम वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ध्यान दीजिए, यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, लिख देते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं। हाँ, पहले आपको बताया गया है कि जिन परमाणुओं के बाह्य कोष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वे क्रियाशील होते हैं और वे क्या करते हैं, परमाणुओं के बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे या क्या करेंगे, उसका साझा। दो पॉइंट बताया गया है। तो जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो
तो वहां पर जो बंध बनता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब एक परमाणु से दूसरा परमाणु, जब एक परमाणु से दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉनों, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ध्यान सुनेंगे, यानी एक जब एक जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो क्या होगा, वहां पर एक परमाणु जो है धनावेशित हो जाता है और दूसरा हो जाता है ऋणावेशित। ठीक है, एक हो जाएगा धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित हो जाएगा, और उनके बीच एक बंध काम करता है। ठीक है, एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी बल से क्या होते हैं, इसी बल से क्या होते हैं, वे आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ए है और यहां पर एक बी है, दो परमाणु है। ठीक है, अब देखिए परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक ए परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए अब इसके बीच इलेक्ट्रॉनों का हुआ स्थानांतरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, तो एक क्या जाता है, एक हो जाता है धनावेश, जैसे मान लीजिए हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी विपरीत आवेशित आयनों को, ये देखिए प्लस है माइनस, विपरीत आवेशित आयनों को जो बल एक दूसरे से बांधे रखता है उस बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए वैद्युत संयोजी बंध के उदाहरण ध्यान से देखिएगा, वैद्युत संयोजी बंध के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण ध्यान दीजिए, यानी इसके बारे में बताया गया आपको कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से लेन देन से जो बंध बनता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, यहां बताया गया आपको एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो परमाणु है, जैसे मान लीजिए यह इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया, यह इलेक्ट्रॉन दे दिया और यह इसको लिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस पर कौन सा जाएगा, यह जाएगा ए पर प्लस। ठीक है, और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जब ग्रहण कर लिया तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये हो गया बी पर माइनस। यानी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला यह कि इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वह कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा धनावेशित, और जो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। ठीक है, अब देखिए यहां प्लस हो गया माइनस, ठीक, और इस प्लस माइनस के बीच एक बल कार्य करता है, प्लस और माइनस के बीच एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी यहां पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ रहे हैं इसका एग्जाम्पल, वैद्युत संयोजी बंध के उदाहरण। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो
इसमें हम करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का कितना होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का 17, ठीक है। देखिए 2, 8 और 1 और 2, 8 और 7 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां में हम लोग देख रहे हैं कि जो सोडियम है, सोडियम इसके वाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन है उसके वाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम कैसा हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। 2, 8 का मतलब कैसा हो गया, अक्रिय हो गया, ठीक है। और यदि क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी हो जाएगा, इसके भी वाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके भी वाह्य कोष में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी दोनों अपनी अस्थाई संरचना को प्राप्त कर लेंगे, अस्थाई संरचना को प्राप्त कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये सोडियम है, Na है, Na, ठीक है। अब इसके वाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको यहां दर्शा दिए हैं, ठीक। अब प्लस, जैसे मान लीजिए अब जुड़ रहा है Cl, Cl में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये होता है 2, 8 और 1 और ये होता है 2, 8 और 7, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि जो सोडियम है, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, क्लोरीन को, ठीक है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, दे दिया इसको क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन को दिया। तो जब क्लोरीन को दे दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, माइनस की कमी होगी तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम कैसा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा धनावेशित और क्लोरीन कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। अब देखिए, यहां जैसे मान लीजिए दे दिया तो ये हो गया Na है, ठीक है, Na है, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ गया प्लस, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब देखिए यहां पर Cl है, Cl, अब देखिए Cl क्या किया, Cl सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है। जब ग्रहण कर लेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी, यानी माइनस जो है बढ़ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए, तो 7 इसमें पहले से है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, ठीक है, 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ये दिया इसको, ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पर, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए, अब यहां पर इसका क्या हो गया, इसमें से 1 निकल गया, तो ये हो गया 2 और 8, 2, 8 हो गया और ये कितना हो गया, 2, 8 और 7 से कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि यह सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये हो गया 2, 8 और 8, ठीक है, 2, 8 और 8। अब देखिए, अब इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये भी हो गया अक्रिय हो गया और ये भी क्या हो गया, अक्रिय हो गया, ठीक है। तो इसमें बताया गया आपको कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे बंध संयोजी बंध कहते हैं। इसमें एक परमाणु की विशेषता होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, और दूसरे की विशेषता होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वह पॉजिटिव हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह निगेटिव हो जाता है। और जब पॉजिटिव और निगेटिव जब हो जाते हैं तो उसके बीच, ठीक है, उन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। वह उस बल से क्या होता है, वह बल जो है उन दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता है, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में NaCl, Na का 2, 8, 1, इसका 2, 8, 7, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि यहां पर सोडियम जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, और यह जो क्लोरीन है वह इसके दिए हुए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो ये 2, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 8 और 8, ठीक है। यानी ये क्या हुआ,
यह जो है अक्रिय अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो बंध बना है, जो बंध बना है उसे कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, जो बल लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, और जो बंध बनता है उस बंध को कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, देखिए Mg का 12 होता है 2, 8 और 2, और Cl का होता है 17 यानी 2, 8 और 7। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी यहां पर 2 Cl है। ठीक है, Cl के 2 परमाणु हैं और Mg का 1 है। देखिए यानी Cl का जो 1 परमाणु है इसको इसको जो है इसका अष्टक पूरा करने के लिए, इसको अस्थाई संरचना प्राप्त करने के लिए यहां 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके 2 है तो कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब देखिए Mg के पास कितना है, 2 है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, यह जो है 2 जो Cl के हैं परमाणु उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां Cl है प्लस, मान लीजिए यहां Mg है और प्लस यहां Cl है। ठीक है, Cl है। अब देखिए जो Mg है, Mg के वाह कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, हमने यहां पर लिख दिया कितना, 2। ठीक है, अब इसके Cl के वाह कोष में 7 है, लिख लेते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, अब क्या होगा, यहां मान लीजिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसका भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन कितना है, 7 है। अब देखिए जब यह दोनों का त्याग कर देगा, दोनों का त्याग कर देगा तो भी क्या हो जाएगा, ये भी अक्रिय हो जाएगा, ये भी अक्रिय हो जाएगा, यानी ये है 2, 8, 7। ठीक है, ये है 2, 8, 2 और ये कितना है, ये है 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, यानी जो Mg है वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, यानी ये आ गया यहां पर और ये आ गया यहां पर। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, और आपको पहले बताया गया है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वहां पर जो बंध बनता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए ये Cl है, Cl तो Cl में कितना हो गया, ये जो है Mg जो है इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी ये भी 8 हो गया, यानी यहां 2 है, 2, 2, 4, 2, 6। अब देखिए ये Cl का है और ये किसका आ जाएगा, एक आ जाएगा Mg का, 8 हो गया, यानी ये हो गया 2, 8 और 8। ठीक है, 2, 8 और 8 हो गया, और इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब देखिए फिर Mg है, यहां पर आ गया Mg आ गया। अब देखिए तो Mg एक इसको दे रहा है, ठीक है, यहां पर एक Cl है, Cl तो Cl में कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, एक Mg जो है किसको दे देगा, यानी ये भी क्या हो गया, 8 हो गया, और ये कैसा बन गया, और यह बन गया ऋणावेशित। ठीक है, ये ऋणावेशित हो गया,
ऋण आवेश। अब देखिए, अब यह दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन का जब डोनेट होता है तो इस पर एक प्लस आता है, और जब दोनों का होता है तो उस पर कितना प्लस आ जाएगा, प्लस टू चार्ज आएगा, यानी इस पर आएगा प्लस टू चार्ज। अब देखिए, यानी दो निकल गया यहां से, कितना हो गया, दो और आठ, यही हो गया दो और आठ हो गया, और ये कितना हो गया, दो आठ और आठ, ठीक है। यहां पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, तो वो बताया गया आपको कि जहां प्लस और माइनस हो जाएगा उसके बीच एक बल कार्य करता है, ठीक है, उसके बीच एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी सब जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है। और यहां पर जो बंध बनता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध। बात समझ में आ गई, अब इस प्रकार से हम अपना काम करेंगे। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं बैलेंसी संयोजकता, ठीक है ना, संयोजकता। तो यहां पर हम पढ़ेंगे वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, ठीक है, यानी इलेक्ट्रो बैलेंसी किसे कहेंगे, वैद्युत, वैद्युत संयोजकता, ठीक है, इलेक्ट्रो वैलेंसी। इलेक्ट्रो वैलेंसी, अब ध्यान दीजिए, तो वैद्युत संयोजी बंध कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसमें इसकी डिफिनेशन है कि वैद्युत संयोजी बंध बनने में, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध बनने में जितने इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, लेन देन होता है, वह संख्या कहलाती है वैद्युत संयोजकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl में क्या देखा गया है कि Na जो है, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, ठीक है, Na जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी एक, ठीक है। और जो क्लोरीन है, इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सोडियम के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है, सोडियम देता है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी एक हो गई। और जो क्लोरीन है वह सोडियम के दिए हुए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी। बात समझ में आ गई, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, अब भी बताएंगे आप लोगों को कि पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो बनता है वैद्युत संयोजी बंध, और दूसरा बताया गया कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे कहेंगे सहसंयोजी बंध। यानी पहला बना स्थानांतरण से वैद्युत संयोजी, और दूसरा है सहसंयोजी बंध, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध, ठीक है। इसमें बताया गया आपको कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से
जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, यानी परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां साझेदारी होगी और इसके पहले हम पढ़े हैं बंध संयोजी बंध में कि वहां इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण। जब स्थानांतरण होगा तो इलेक्ट्रॉन एक देगा दूसरा लेगा, जो देता है वह प्लस जो लेता है वह माइनस, फिर उसमें बीच में बल कार्य करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वहां पर जो वैलेंसी होती है उसे कहते हैं वैद्युत संजकता। अब देखिए, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। जैसे मान लीजिए H2 का है, फॉर एग्जाम्पल ईजी, जैसे H2 का बनना। अब देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए H है, H का क्या होता है, एक होता है, एक हो गया, ठीक है, वन हो गया, यानी यहां एक H है और यहां पर एक H है। ठीक है, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन इससे हमने दर्शाया है क्रॉस से, इसका हम दर्शाया है इससे डॉट से, बिंदी से। अब देखिए, जब H के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करेगा, वह दूसरे परमाणु से, ठीक है, क्या करेगा, साझा करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो वह क्या होगा, वह अपने निकटस्थ, ठीक है, यानी जो उसके सबसे निकट अक्रिय गैस है उसी संरचना प्राप्त करेगा, यानी इसके नजदीक कौन है, एच ही है, इसका कितना होता है, दो होता है। ठीक है, अब देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, जब ये साझा करेंगे आपस में साझा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। जैसे ये एच है, ठीक है, ये इसका है, और एक ये एच है, दूसरा एच है, एक ये है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पार्ट है, ये दोनों मतलब काम है, ये दोनों के लिए है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, उसको इसके बीच में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब इसके बीच में रखेंगे तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इसका भी होगा। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल चीज है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो साझेदारी कितने की होगी, साझेदारी एक ही करेगा, जब एक की एक ही है तो कितना करेगा, एक का करेगा, तो एक मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस है, एक का क्रॉस है और एक का डॉट है, तो यहां पर साझेदारी एक क्रॉस हो गया और एक डॉट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसकी हम बात करेंगे, इसकी अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को खर्च कर दिया, कुछ बचा नहीं, अब इसकी बात करेंगे तो इसके बीच में कितना, इसका कितना हो गया, दो हो गया, यानी हीलियम संरचना प्राप्त कर लिया, फिर इसकी बात करेंगे, ये भी कितना हो गया, ये भी दो हो गया, ये पार्ट कॉमन है, दोनों के लिए आता है। ठीक है, तो यहां पर जो बंध बनेगा, जो बंध बना है उसे कहेंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम कहेंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए O2 है,
O2 ऑक्सीजन अणु का बनना, ठीक है। अब देखिए O है, O का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, O का परमाणु क्रमांक 7, ठीक है, 2 और 6 होता है, ठीक है। जब ये क्या करेगा, एक O यहां पर है, एक O यहां है और एक U O यहां है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये भी 2 और 6 है, ये भी 2 और 6 है, ठीक है। अब इसके मध्य क्या होगा, इसके बीच में साझेदारी होगी, जब साझेदारी होगी तो दोनों कितना हो जाएगा, जो 2 6 है वो किस में चल जाएगा, 2 8 में, ठीक है। यानी 2 6 8 है, ये 8 है, तो जब यह साझा करेगा, जब साझा करेगा तो जो अक्रिय गैस इसके निकट है उसकी अस्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो इसके निकट कौन है, ये 8 है तो निकट कौन है, 10, 2 8 यानी हीलियम नियान का कितना होता है, 2 8 यानी 10 होता है, 10, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके ये 8 है इसके पास, तो ये कहां जाने का प्रयास करेगा, बोलो हीलियम के पास, यानी इसके पास जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, आप देख लीजिए, यह मान लीजिए एक ओ का है, यह दूसरे ओ का है पार्ट, ठीक है, एक ओ है, ठीक है। एक का हम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्रॉस मान लेंगे, उसका मान लीजिए बिंदी मान लेंगे, ठीक है, क्रॉस मान लेंगे और बिंदी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक ना। यानी इसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां पर दो की साझेदारी होगी, ठीक है। या इस तरह भी देखिए, यहाँ 6 है, कितना करना है हमको, 8 करना है, कितने की आवश्यकता है, 2, यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा 2 इसका होगा और 2 इसका होगा। जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं क्रॉस से, 1 2 2 इसका और 2 इसका, इसका मान लीजिए डार्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वाय कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से कितना खर्च किया हमने, 2 खर्च कर दिया, इसका 2 खर्च किया है, इसका 2 खर्च किया है, कितना बचा, 4 बचा, 4 यहां रख देते हैं, 1 2 3 4, इसका भी कितना बचा, 4 बचा, यहां पर 2 4 गिरिए, देखिए अब इसका गिरिए, ये 2 2 4 इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों के लिए काम आने, तो 4 ये 4 2 6 और 2 8 हो गया, और ये भी क्या है, ये इसके लिए भी है, तो 4 2 6 2 8, ठीक है। यानी क्या बन गया, H2 अणु का बनना, ठीक है। इस तरह से जो है आप वीडियो को देखें, वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो में आपको जो समझाने का प्रयास किया गया है उस बात को समझने की कोशिश करें, उस बात को समझने की कोशिश करें, फिर आपके पास जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, नोट बनाएं और जो बनाया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करें। धन्यवाद।